इस अस्पताल की हालत किसी मरणासन मरीज से कम जर्जर नहीं है। तिल तिल कर मरते किसी मरीज की तरह ये अस्पताल भी आखिरी सांसें गिन रहा है। इसका अंजर पंजर हिल चुका है, इमारत नुमा शरीर सूख कर कांटा हो गया है। ऐसा लगता है कि अब गिरा तो तब गिरा। हम इस वक्त डीएमसीएच में मौजूद हैं, दरभंगा में, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर कोरोना के मरीजों का इलाज भी चल रहा है इस बड़े अस्पताल में। लेकिन इस अस्पताल की हालत कैसी है ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं ये डीएमसीएच का सर्जिकल भवन है, और आप तस्वीरों को देख कर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के दिन इस अस्पताल की हालत कितनी बदतर हो चुकी है, किस जर्जर हालत में ये अस्पताल जो है वो चल रहा है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज का ये अस्पताल सिर्फ एक अस्पताल नहीं, पूरे मिथिलांचल की लाइफलाइन है। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और सहरसा, कम से कम चार जिले के मरीज यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ आकर उनका जो हाल होता होगा वो तो बस महसूस करने वाली बात है। क्या कहेंगे, सरकार ना समझे इनको, सरकार ना जाने। या यहाँ का इलाज, मरीज का इलाज चल रहा है? जी जी जी, मरीज का इलाज चल रहा है, मरीज इसमें भर्ती है और ऑक्सीजन लग रखा है और इलाज चल रहा है। सर्जिकल भवन में मरीज का इलाज चल रहा है, कभी भी लगता नहीं है कि ये गिर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी गिर सकता है और कभी भी मरीज भी मरेगा और हम भी मरेंगे। 10 साल में कई बार यहाँ भवन निर्माण विभाग ने कहा अस्पताल के नाम पर कभी भी ढह जाने की आशंका में खड़ी इस इमारत को खाली कर दो, लेकिन दूसरा इंतजाम हो तब तो इसे खाली कराया जाए। इस अस्पताल की ऐसी हालत क्यों है जरा जानिए। 2016 में इस जर्जर अस्पताल की जगह केंद्र बिहार सरकार की साझा कोशिशों से 160 करोड़ का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनना शुरू हुआ। इस नई बिल्डिंग को आप देखिए, जिसे 2018 में बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन 3 साल बाद भी काम अधूरा है तो मरीज कंकाल नुमा अस्पताल में इलाज करवाने को मजबूर है। अब आपको सीतामढ़ी के बिस्वा गांव लिए चलते हैं। 10-15 साल खूब बढ़िया काम किया, 2000 के बाद ये स्थिति हुई खराब हो गया। 2005 से समझिए डॉक्टर सब बिल्डिंग में बिल्डिंग बिता जा रहा है, लेकिन यहाँ का इस डॉक्टर को 1 रुपया का सुइया इलाज, देखो नर्स तक यहाँ नहीं आती है और क्या कहे। ये आक्रोश उस सिस्टम के खिलाफ है जिसने बिस्वा गांव को महामारी में बेमौत मरने के लिए छोड़ दिया। जिस हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज होना चाहिए वहां मवेशियों को रखा जा रहा है। इस स्वास्थ्य उपकेंद्र में डॉक्टर की नियुक्ति है, नर्सों की नियुक्ति है और सबके रहने की व्यवस्था भी यहां पर थी, लेकिन आज की स्थिति में हम दिखाना चाहेंगे आपको। देखिए यहाँ पे ये बिस्वा बाजार का जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है, यहाँ पर इसके जहाँ डॉक्टर रहा करते थे पहले, जो उनका निवास था, वहाँ पर गाय भैंस को बांधा जा रहा है। और ये अंदर हम दिखाना चाहेंगे कि ये स्थिति आप देख लीजिए, जो स्थिति है यहाँ की। ये बताइए क्या होता था यहाँ पर, किसका किसका घर था? इसमें डॉक्टर साहब रखते थे पहले, जो सचिव थे हेल्थ केयर का, जो अफसर लोग थे वो आते थे, इसका ऑफिस इसी में थे, वो बगल से रहते थे। और लगभग ये लगभग 10-15 साल से अभी नहीं रह रहे हैं यहाँ। जो बाजार में मवेशी बिक्री होते हैं वो मवेशी सब वो ला करके इसमें बांधा जाता है। दरभंगा हो या सीतामढ़ी, कोरोना के हमले ने साबित कर दिया है कि जनता की जान बचाना इन बीमार अस्पतालों के बूते की बात नहीं। जो व्यवस्था खुद इतनी लाचार, कमजोर और रोग ग्रस्त हो, वो दूसरों का इलाज क्या खाक करेगी। दरभंगा से रोहित सिंह, सीतामढ़ी से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो।